वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और आज मैं आपको तीन ऐसा लंच ऑप्शन बताऊंगा जो आप बहुत ही इजीली बना सकते हो, कैरी कर सकते हो और आपके लिए बहुत हेल्दी है। देखो, लंच के टाइम पे हम लोग ऑफिस में होते, कॉलेज में होते, स्कूल पे होते, तो इसीलिए एक ऐसा मील ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए जो हम बहुत ही इजीली कैरी कर सकते और बहुत कम टाइम में उसको कंज्यूम कर सकते। इसीलिए मेरे जो तीन ऑप्शन है, नंबर वन मैंने देखा है कि इसको कितना कम टाइम में आप बना सकते हो, नंबर टू आप कितना इजीली कैरी कर सकते हो, एंड नंबर थ्री आप कितना कम टाइम में इसको कंज्यूम कर सकते हो, और उसके साथ ये मील आपके लिए हेल्दी भी होना चाहिए। और हमारा जो पहला मील प्लान है वो है चिकन राइस। तो चिकन राइस, लेकिन चिकन को आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है, बहुत कम टाइम में आप चिकन को प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसके साथ कुछ वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, ऑनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर, ये वेजिटेबल इस मील का फूड वैल्यू को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। और यहाँ पे आपको अराउंड 200 ग्राम चिकन यूज़ करना है और उसके साथ अराउंड 50-100 ग्राम राइस यूज़ करना है। और इसके साथ अगर आप चाहो तो इस जगह पे नट्स भी ऐड कर सकते हो, जो गुड फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है ये है पनीर विथ रोटी। हमारा जो वेजिटेरियन लोग हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन का मेन सोर्स है ये है पनीर, और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है रोटी। आपको होल व्हीट रोटी यूज़ करना है। अगर आपके पास होल व्हीट रोटी नहीं है तो आप उस जगह पे पनीर का सैंडविच भी बना सकते हो, ब्राउन ब्रेड होल व्हीट ब्रेड के साथ। यहाँ पे आपको अराउंड 100 ग्राम पनीर यूज़ करना है, उसके साथ 2-3 रोटी कंज्यूम करना है। ये एक बहुत अच्छा कम्प्लीट मील है आपके लिए। अगर आप फैट लॉस प्रोसेस पे हो तो वहाँ पे 1-2 रोटी कंज्यूम करो। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप इस मील में कंज्यूम कर सकते हो। और पनीर को बनाने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पनीर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है। इसीलिए आप पनीर को बहुत कम ऑयल में कुक कर सकते हो और बहुत ही ईजीली इसको बना सकते हो। यहाँ पर आप इसके साथ थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, तो इस मील का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये बहुत कॉमन ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग दाल कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सा बॉइल्ड दाल हम इस मील में कंज्यूम करेंगे। उसके साथ आप चाहो तो रोटी भी कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप प्रोटीन का कंटेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो तो सोया चंक्स इस मील पे आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि सोया चंक को यूज़ मत करो क्योंकि इसके अंदर सोया प्रोटीन होता है जो हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में 30-50 ग्राम सोया चंक कंज्यूम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस मील में हमारा जो प्रोटीन का मेन सोर्स है वो है लेंटिल्स, दाल, और उसके साथ सोया चंक भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे है रोटी, और उसके साथ दाल से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्ब हमें मिल जाता है। लेकिन इस मील में फैट का कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नट्स ऐड करना है, जो गुड फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारा आज का वीडियो का स्पॉन्सर है हेल्थ विट। ये एक इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड है जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है, और आज हमारे पास है ZMA। ये आपको रात का जो रिकवरी प्रोसेस है उस पर आपको हेल्प करता है, आपका जो स्लीप का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है जिंक एंड मैग्नीशियम। और इसका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, 500-600 के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और अगर आपने वन टाइम परचेस किया तो आप मोर देन 1 month इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, और चाहो तो हेल्थ बिट का जो अपना वेबसाइट है वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। इसका सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, तो यही है आज का वीडियो। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा लंच ऑप्शन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।